समाज में एक चीज की जरूरत है और वो ये कि हमें आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए, ना कि अभी तक भी रिलीजन्स की योर रिलीजन की यू नो ये जो कड़वाहट है कब तक चलता रहेगा ये कब तक। और इसी वजह से इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, नहीं तो अदरवाइज इंडिया नंबर वन पे होता। और एक्चुअली बहुत सारे नेशंस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जो कि यही चाहते हैं कि इंडिया वाले सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ते रहें बस, और हम लोग एकता बनाते ही नहीं है, हमारे साथ ये समस्या है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ते रहेंगे तो कभी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएंगे और कभी भी उन कंट्री से आगे नहीं निकल पाएंगे जो कंट्री अभी नंबर वन पे हैं। आप एग्जांपल लेके देख लीजिए ना। तो इसीलिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने मतलब से ऊपर निकलना पड़ेगा अगर देश को प्रगति चाहिए तो, और अगर देश की प्रगति होगी तभी यहां पर रहने वाले लोगों की प्रगति होगी। सभी की प्रगति देखनी है, किसी एक इंसान की नहीं, थिंक ऑफ इट, ना किसी एक कम्युनिटी की। और बाहर वालों का तो मकसद पूरा हो जाता है जब हम लड़ते हैं आपस में, एक ही देश में रह के अलग अलग रिलीजन के लोग लड़ते रहते हैं, उनका तो काम हो रहा है, लड़ते रहो, हम प्रगति करते रहेंगे। अफसोस की बात है, बड़े लेवल से सोचने की जरूरत है। 21वीं सदी में जीने, थोड़ा सोचिए, अब वो वक्त नहीं रहा बच्चों के जैसा कि अब 100 साल पहले जीते तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ते रहते थे। बस करो भाई, बहुत हो गया, थोड़ा बड़े दिल से सोचो, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, कब सोचोगे। देख पर पढ़ने वाले हर एक बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले झगड़े में कभी मत पड़ना। आप सिर्फ एक ही चीज सोचना, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और उसी की पालन हमें करना है और उसी को हिसाब से हमें आगे बढ़ना। प्रगति करोगे, आगे बढ़ोगे, तभी देश का कुछ होगा और आपका भी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं।